हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉप 5 बेस्ट स्कूटी इन इंडिया। स्कूटी के हर पैरामीटर को मैं आपके सामने रखूंगा और आपको बताऊंगा कि जो 5 प्रमुख कंपनियां हैं स्कूटी जो बनाती है, उनमें से किसका प्रोडक्ट बेहतर है और किसी प्रोडक्ट में कोई खामी है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो में एंड तक बने रहिए। 5th नंबर पे सबसे लास्ट कैटेगरी में हम जिन स्कूटी को रखना चाहेंगे वो है हीरो कंपनी की स्कूटी। और हीरो कंपनी की स्कूटी को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इनका इंजन रिफाइन नहीं है और इनकी स्कूटी में वो बात नहीं है जो आपको पीस ऑफ माइंड दे सके। और वैसे भी हीरो की जितनी भी स्कूटियां हैं वो मार्केट में सबसे कम बिकती है। फिर भी अगर आपको अंडर 90,000 रुपीज में एक स्कूटी चाहिए तो आप हीरो की न्यूली लॉन्च जूम को खरीद सकते हैं। उसके अलावा आप प्लेजर को भी खरीद सकते हैं। रही बात मैस्ट्रो की, तो मैस्ट्रो एक फ्लो प्रोडक्ट रहा है और मैं आपको कभी भी फ्लो प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आप हीरो की जूम को देख सकते हैं। हीरो की जूम आपको 85,000 रुपए में देखने को मिल जाएगी और हीरो की प्लेजर आपको 90,000 रुपीज में अंडर देखने को मिल जाएगी। तो आप ये दोनों स्कूटी मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर हीरो की आपको लेनी हो तो। 3 नंबर पर क्वालिटी वाइज जुपिटर टीवीएस की तरफ से आएगी और टीवीएस जुपिटर एक बहुत हिट प्रोडक्ट रहा है जिसने होंडा एक्टिवा की इतने सालों की बादशाहत को हिला के रख दिया था। नो डाउट जुपिटर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और अगर आप जुपिटर का 110 सीसी का वेरिएंट लेते हैं तो आपको इसका जो शीट मेटल का है वो आपको 87,000 में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको 110 सीसी में सबसे अच्छी स्कूटी चाहिए और सबसे कम में चाहिए तो 87,000 में आपको हीरो की जुपिटर देखने को मिल जाएगी। इसकी बोला जाए तो ये एक परफेक्ट गाड़ी है। इंजन रिफाइनमेंट भी ठीक है और इसकी राइड एंड बिल्ड क्वालिटी वो भी ठीक है। आपको इसमें हैंडलिंग भी ठीक मिलेगी, माइलेज भी ठीक मिलेगा। तो अगर आपको ऑल ओवर एक कम रेट में अच्छा अच्छा स्कूटर चाहिए जिसमें सब थोड़ी थोड़ी चीजें मिले, ऑलराउंडर स्कूटर इसको हम बोलना पसंद करेंगे, तो वो आप टीवीएस जुपिटर बाय कर सकते हैं। टीवीएस की तरफ से एक और स्कूटर आता है टीवीएस एंटॉर्क। तो जिन लोगों को बिल्कुल परफॉर्मेंस स्कूटर चाहिए, थोड़ा रग्ड लुकिंग स्कूटर चाहिए, उनको एंटॉर्क की तरफ जाना चाहिए। एंटॉर्क 1 लाख रुपए से 1,25,000 रुपए तक के इसमें वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको 125 सीसी का ऐसा धमाकेदार स्कूटर देखने को है कि मुझे परफॉर्मेंस से मतलब है और लुकिंग से मतलब है, तो आप पावर और परफॉर्मेंस आपको टीवीएस एंटॉर्क में देखने को मिल जाएगी। और ये बहुत टीवीएस के स्कूटर बहुत ही अच्छे और राउंडर इन्होंने बनाए हुए हैं, सब चीजें थोड़ी थोड़ी इसमें आपको मिल जाएगी। 3rd नंबर पर जो स्कूटर आने वाला है उसी के नाम से स्कूटी को जाना जाता है, स्कूटी को एक्टिवा बोला जाता है। और एक्टिवा अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि मुझे कौन सा स्कूटर लेना चाहिए, तो उसको सीधा सीधा वो जाता है शोरूम में होंडा के और एक्टिवा को उठा के घर पे लेके आ जाता है। पीस ऑफ माइंड, अगर आपको इंजन रिफाइनमेंट एक नेक्स्ट लेवल का चाहिए तो आपको होंडा एक्टिवा की तरफ प्रेफर करना चाहिए और इसकी रिसेल वैल्यू भी आपको बहुत अच्छी बात में देखने को मिल जाएगी। 90,000 रुपए से इसका 110 सीसी का वेरिएंट शुरू होता है और अगर आपको इसका एक्टिवा का 125 सीसी का वेरिएंट चाहिए तो वो आपको 1 लाख रुपए से 1,20,000 रुपए के बीच में देखने को मिल जाएगा। होंडा एक्टिवा बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी, बेहतर रिसेल वैल्यू और इसमें अच्छा माइलेज के साथ आपको गुड इंजन रिफाइनमेंट देखने को मिल जाएगा। और आफ्टर मार्केट अगर आप इसके पार्ट्स देखने जाएंगे तो सबसे ज्यादा पार्ट्स होंडा एक्टिवा के उपलब्ध है क्योंकि सबसे ज्यादा इतने सालों तक होंडा एक्टिवा का एक तरफा राज रहा है। तो इस स्कूटी को अगर आप ज्यादा किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो आप होंडा एक्टिवा लेके पीस ऑफ माइंड आराम से अपनी ड्राइव कर सकते हैं। 4th नंबर पर हम यामाहा की फसीनो को रखना चाहेंगे। यामाहा एक ऐसी कंपनी है जो सबसे पहले क्वालिटी के एक मापदंड तय करती है, उसके बाद में उसकी रेट डिसाइड करती है। उसको सिर्फ रेट कम या ज्यादा से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ क्वालिटी देनी है। तो जो यामाहा की फसीनो है वो आपको ज्यादा महंगी देखने को मिलेगी। 1,10,000 रुपए से यामाहा की फसीनो देखने को मिलती है आपको और ये बहुत स्टाइलिश बाइक है। सबसे ज्यादा स्टाइलिश बाइक अगर कोई है तो यामाहा की फसीनो है। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं तो इसके आपको शोरूम देखने को नहीं मिलेंगे, आफ्टर सेल सर्विस देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप क्वालिटी प्रेफर करते हैं तो आप यामाहा की फसीनो को देख सकते हैं। इसमें एक हाइब्रिड मॉडल भी इसका आता है, वो भी आप इसमें प्रेफर कर सकते हैं। अब बारी आती है भारत के सबसे ज्यादा एलिजिबल और सबसे ज्यादा गुड क्वालिटी और ऑलराउंडर परफॉर्मेंस स्कूटर के बारे में, जो है आपका सुजुकी की तरफ से एक्सेस 125।
ये 125 स्कूटर जो लोग एक्टिवा 110 या जुपिटर 110 लेते हैं उनसे भी ज्यादा माइलेज आपको एक्टिवा से ज्यादा माइलेज आपको एक्सेस 125 दे देगी। और ग्रामीण अंचल में तो होंडा एक्टिवा फेमस है, लेकिन अगर आप शहर में जाओगे तो आपको एक्सेस 125 इन सब स्कूटियों के मुकाबले एक तरफा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसने अपने इंजन को इस तरीके से जापानी टेक्नोलॉजी को बनाया है कि इसका 125 सीसी होने के बावजूद भी आपको माइलेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और इस स्कूटी का कर्व वेट कम है तो आपको पिकअप भी देगी, आपको इंजन रिफाइनमेंट भी देगी, इंजन की क्वालिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये स्कूटी उन लोगों के लिए बहुत सही है जो उम्रदराज हो चुके हैं, जिनको ज्यादा वजनी स्कूटर लेके चलना प्रेफर नहीं कर पाते हैं, और खास करके औरतों और लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा स्कूटर माना गया है। तो अगर आपको ऑलराउंडर स्कूटर चाहिए और सबसे अच्छी क्वालिटी का स्कूटर चाहिए तो आपको एक्सेस 125 की तरफ जाना चाहिए। इस स्कूटर के कुछ ड्रॉबैक है कि इसमें होंडा एक्टिवा या जुपिटर के मुकाबले कुछ पार्ट्स इसमें मेटल के नहीं दिए हुए हैं, प्लास्टिक फाइबर के दिए हुए हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन ये स्कूटर बहुत ही शानदार है और बहुत ही ज्यादा बिकता है, और कहीं ना कहीं इसने होंडा एक्टिवा को बेहद भारी टक्कर दी है। और अभी नंबर वन पे एक्सेस 125 चल रहा है। तो अगर आपको परफॉर्मेंस लेनी है और अगर आपको अच्छा माइलेज लेना है तो आपको एक्सेस 125 की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।